हरे कृष्णा। मोक्षदायी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदायी एकादशी बहुत ही पावन एकादशी है। इसका अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाली, मोक्षदा यानी मोक्ष देने वाली, जैसे यशोदा यानी यश प्रदान करने वाली। और इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन को चुना भगवद गीता को प्रकट करने के लिए। यूं तो अनेक तरह के व्रत लोग रखते हैं, सोमवार का, मंगलवार का, शुक्रवार का व्रत, जो अलग अलग देवताओं के लिए किया जाता है, लोग रखते हैं। परंतु वैष्णव जन जो व्रत रखते हैं वह है एकादशी का व्रत, जो जीवन भर के लिए है। गोपियों ने एक बार श्रीमती राधा रानी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तब ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से इसका वर्णन आया है कि श्रीमती राधा रानी ने स्वयं अपने श्रीमुख से एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णन किया है। वहां पर उन्होंने सभी 26 एकादशियों का महात्म्य कहा है कि किसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन मिलता है कि इस एकादशी का महात्म्य क्या है, महात्म्य अर्थात क्या लाभ है। जैसे श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से क्या लाभ होगा, भगवद गीता को पढ़ने के क्या लाभ है, ये महात्म्य है। तो इसके लिए ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है कि एक राजा थे जो बहुत प्रतापी थे, अपनी प्रजा का भरण पोषण अच्छे से करते थे, संतान की तरह उसका पालन करते थे। एक बार उनको सपना आया कि उनके पितर जो पितृलोक में हैं वे वहां न होकर नर्क में कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उच्च लोकों में एक लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं, और जब यहां से जो हमारे पितृ जो योग्य हैं वे वहां जाते हैं मृत्यु के पश्चात, तो वहां पर बहुत ऐश्वर्य है, परंतु जैसे ही श्राद्ध बंद हो जाता है वे वहां से नीचे आ जाते हैं, जिसके विषय में अर्जुन भगवद गीता के प्रथम अध्याय में कहते हैं कि अगर मैंने ये युद्ध किया तो कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचेगा, जिससे पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दगह क्रिया। पिंडो दग क्रिया अर्थात श्राद्ध करना, यानी जब ये बंद हो जाएगा तो पितर वहां से नीचे गिर जाएंगे। ये इस तरह से है कि मान लीजिए कि आप अपने अपने पितरों को कहीं भेजा है और फिर प्रतिवर्ष उन्हें धन भेज रहे हैं कि आप वहां पर बने रहें, आनंद से रहें। तो ये उस वैखानस नाम के राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पितर नर्क में हैं, तो उसने अगले ही दिन ब्राह्मणों को बुलाया प्रातः ही और उनसे पूछा कि मैं अपने सारे कार्य भली भांति कर रहा हूं तो फिर मेरे पितर कष्ट में क्यों है। इस पर ब्राह्मणों ने कहा कि पास ही में पर्वत मुनि रहते हैं, आप उनसे पूछिए। तब पर्वत मुनि से मिलने पर उन्होंने राजा को मोक्षदा एकादशी के विषय में बताया और कहा कि उसके पालन से उनको अर्थात उनके पितरों को उच्च गति प्राप्त होगी। जिससे राजा ने ऐसा ही किया और उनके पितर उन्हें स्वप्न में प्रसन्न दिखाई दिए। ये साधारण दृष्टि से कथा महात्म्य आता है मोक्षदा एकादशी का। अब हम अगर इसे भक्ति की दृष्टि से देखें तो हमें सोचना चाहिए कि सबसे अच्छी चीज, सबसे श्रेष्ठ वस्तु हम उन्हें क्या प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यदि पितृ लोक भी चले गए तो वहां जाकर भी पुनः पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो सबसे अच्छा उपहार क्या है जो एक संतान अपने माता पिता को दे सकती है? धन दे देना, सुख दे देना, शारीरिक सुविधा दे देना, ये सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, परंतु यह सब क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं। फिर जन्म लेंगे, फिर मृत्यु होगी और इस तरह ये चक्र चलता रहता है। तो सबसे अच्छा उपहार यदि कोई देना चाहता है तो उस संतान को सबसे पहले तो स्वयं भक्ति करनी चाहिए और फिर उसका फल माता पिता को देना चाहिए, जिससे उनको सही दृष्टि में मोक्ष प्राप्त हो। परंतु यहाँ पर मोक्ष शब्द का सही
अर्थ भी समझना होगा। बहुत से लोग समझते हैं कि मोक्ष का अर्थ है अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ है स्वयं भगवान बन जाना, और कई लोग ये सोचते हैं कि मोक्ष का अर्थ है भगवान में विलीन हो जाना। परंतु ये सब गलत धारणाएं हैं, क्योंकि जीव कभी भी अपने अस्तित्व को नहीं खोता। भगवान में विलीन हो जाना ये भी बहुत अच्छे प्रकार का मोक्ष नहीं कहा जाता। जैसे शिशुपाल की कथा हम सभी जानते हैं कि राजसूय यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा हेतु सभी की सहमति से चुना गया तो शिशुपाल द्वेष से भर गया और निंदा करने लगा। तब 100 अपराध पूर्ण होने पर भगवान द्वारा उसका वध हुआ। तो वहां सभी ने देखा कि शिशुपाल की आत्मा उसके शरीर से निकलकर भगवान में समा गई। ये भी एक प्रकार की मुक्ति है, परंतु भक्तगण इसे स्वीकार नहीं करते, जिसके लिए भागवतम में भगवान कपिल कहते हैं कि अगर मेरे भक्त को मैं मुक्ति देता भी हूं तो वे स्वीकार नहीं करते, वे तो सेवा को स्वीकार करते हैं। अतः सही अर्थों में मुक्ति है भगवान की सेवा में रत होना, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगाना और मृत्यु के पश्चात उनके धाम में जाकर फिर से उनकी सेवा करना, ये मुक्ति कही जाती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ उपहार यदि हम अपने माता पिता को, अपने पूर्वजों को और अपने आने वाले वंशजों को देना चाहते हैं तो वो है भगवान की भक्ति करना। यही एक मार्ग है जिससे हम स्वयं भी मुक्त हो सकते हैं और पूर्वजों और अपने वंशजों को भी मुक्ति का मार्ग दिखला सकते हैं, जिसका सुंदर उदाहरण है प्रहलाद महाराज, जिनसे नरसिंह भगवान प्रसन्न होकर पूछते हैं कि मांगो क्या चाहते हो। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान मैं व्यापारी नहीं, मैं वणिक नहीं। परंतु नरसिंह भगवान के बार बार कहने पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अपराध किए हैं, कृपया इन्हें क्षमा कर दें। तब भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त होता है उनकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, न केवल इस जन्म की अपितु पूर्व जन्म के माता पिता भी तर जाते हैं। तो यहां हमें समझना चाहिए कि भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मोक्षदायी एकादशी से हमें यह समझना चाहिए कि रीति रिवाजों में न पढ़कर हम भक्ति करें, साधारण धर्म में न फंसकर आध्यात्मिकता का पालन करें। तो कोई पूछेगा कि रीति रिवाज क्या है? रीति रिवाज है कि आप ये कीजिए आपको ये प्राप्त होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये सब नियम दिए गए हैं। लेकिन हमें इन नियमों में ही फंस नहीं जाना चाहिए, इनके उद्देश्य को जानना चाहिए, और इनका उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। इसलिए रीति रिवाजों में ना फंसकर उनके उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, साधारण धर्म में ना फंसकर उस आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिकता हमको सिखलाती है कि साधारण धर्म आपको बांध रहा है एक समाज से, एक धर्म से, एक शरीर से, जबकि आध्यात्मिकता आपको मुक्त करती है हर उस भावना से जो इस जगत में बंधन का कारण है। इसलिए उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे हम अपने पितरों को सबसे अच्छा उपहार दें। जैसे राजा वैखानस अपने पितरों के कष्ट दूर करना चाहते थे, परंतु इस जगत में केवल कष्ट दूर करना पर्याप्त नहीं। जैसे यदि कोई भूखा है, हमने उसे भोजन दिया, लेकिन कल फिर उसे कष्ट होगा। सच्चा कष्ट दूर करना है तो व्यक्ति को जन्म और मृत्यु से दूर भेजना होगा। सही दृष्टि में यदि समाज सेवा करनी है तो समाज के सभी लोगों को भक्ति प्रदान करनी चाहिए, जिससे फिर कभी उन्हें जन्म न लेना पड़े, न वे भूखे रहें, न कष्ट में आए। और इसी के लिए कहा गया है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरावा वसती च धन्यम। अर्थात जब कोई भक्ति करता है तो उसका कुल पवित्र हो जाता है, माता पिता धन्य हो जाते हैं, स्थान धन्य हो जाता है, और पितृ जहां भी होते हैं आनंद में रहते हैं, जैसा कि हमने ऊपर भी कथा में सुना। तो इस दृष्टि से इस मोक्षदायी एकादशी पर हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा मोक्ष क्या है, और हमने जाना कि वो है भगवान की सेवा, जिससे सही दृष्टि में हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। वह इसी हेतु भगवान ने मोक्षदा एकादशी अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी का दिन चुना भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान ऐसा है जो सही दृष्टि में हमें मोक्ष देता है।
अतः इस मोक्षदायी एकादशी पर आप सब भी इस व्रत का पालन करें, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी भक्ति करना। और इसका सरल सा साधन है भगवान के दिव्य नामों का जप, जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तथा साथ ही इस दिन भगवद गीता यथारूप का पाठ भी अवश्य करें, और स्वयं पाठ करने के साथ साथ आप इसका दान भी कर सकते हैं। तो दूसरों को भगवद गीता उपहार में दीजिए और जानिए सच्चे अर्थों में कि क्या है मोक्ष। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।